दूसरा पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं कभी कभी कि जो एक्सटर्नल यूआरएल होते हैं, जो कि हमारे उसमें अटैचमेंट नहीं होती है, या हमारी इंटरनल जो ये जूमला की साइट है उसके में कंटेंट नहीं होता, हम रेफरेंस के तौर पे किसी किसी अदर साइट का हम रेफरेंस इसमें देते हैं, तो उसके लिए के लिए हमको एड एन एक्टिविटी में हम जाते हैं, और यहाँ पे यूआरएल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जैसे कि एडिंग ए न्यू यूआरएल टू यूनिट वन, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक एक्सटर्नल यूआरएल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि उसका नाम देते हैं लेसन वन वन वीडियो। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो मतलब एक यूट्यूब के वीडियो का यूज करता हूँ लिंक, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए एक्सटर्नल यूआरएल को। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, और ये अपीयरेंस ऑटोमेटिक रहने देते हैं, यूआरएल वेरिएबल कोई इशू नहीं है, कॉमन मॉड्यूल और ठीक है का बाकी सेटिंग्स एज इट इज रहने देते हैं, एंड सेव एंड रिटर्न टू कोर्स करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल यूआरएल का लिंक बन गया। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये सीधे उस एक्सटर्नल यूआरएल पे चला गया। इसमें एक चेंजेस करना है, जैसे कि अभी हमने इसमें क्लिक किया था तो सेम साइट पे ही मतलब ये ओपन हो गया, और अगर आप चाहते हैं कि ये किसी दूसरे टैब में ओपन हो तो उसके लिए सेटिंग में चले जाएंगे, एडिट सेटिंग, और यहाँ पे अपीयरेंस में ऑटोमेटिक दिया हुआ है, आप ऑटोमेटिक में आप ओपन इन पॉपअप, तो इन पॉपअप कर सकते हैं, एक छोटा सा अलग विंडो ओपन होके उसमें दिखेगा, और एम्बेड एम्बेड मतलब इसी साइट के अंदर ही दिखेगा, तो हम इन पॉपअप सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये साइज दिया हुआ है, और सेव एंड रिटर्न टू कोर्स करते हैं। अब इसको बाद चेक करते हैं, तो अब देखते हैं, यस ये देखिए जैसे इसको क्लिक किया तो एक अलग ही विंडो पे ओपन हो गया, और विंडो के हमें एक्सटर्नल यूआरएल ओपन हो गया। तो इस तरह कर सकते हैं जिससे कि ये आप सेम साइट पे ना ओपन होके किसी दूसरे विंडो पे ओपन होके, तो इस तरह जो है आप एक्सटर्नल यूआरएल का भी यूज करेंगे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लेबल करने का, लेबल यूज करने का, आप जिसको आप हेडिंग भी कह सकते हैं, और या हेडिंग या टैब इस तरह बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो टॉप पे आप टैब बना सकते हैं, ये या हेडर कुछ बना सकते हैं, तो उनका मैं बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि एड एन एक्टिविटी में आप आएंगे और लेबल सेलेक्ट कर लेंगे, लेवल में मैं एक नाम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, सेंटर पे कर देते हैं, साइज लार्ज कर देते हैं, और इंट्रोडक्शन ये बनाए, और इसको हम
सेवन रिटर्न यस। अब इसको हम हेडिंग को हम चाहे तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसी तरह हम मेरी गोल्ड बुक एक और मतलब लेवल हम क्रिएट करते हैं, और इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है यस। तो इस तरह जो है आप मतलब लेवल क्रिएट कर सकते हैं, इस पर लिंक भी क्रिएट कर देते कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो लिंक भी आ जाए। तो इस पर एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे किसी जो है आप मैरीगोल्ड इंग्लिश क्लास लेसन जो है इसको हम चाहे तो हम कर दिया और सेलेक्ट दिस फाइल कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह और भी इसमें थोड़ा सा और डिजाइन कर सकते हैं, इसको लेफ्ट कर देते हैं, इसी के बगल में एक और कर देते हैं, लेसन वन। इसमें भी एक इस तरह के एक एक एग्जांपल दे सकते रहे, इंग्लिश बुक कंटेंट लेसन वन यू सेलेक्ट, और यहाँ पे सेव एंड रिटर्न यस। तो आप देखेंगे कि ये एज ए लेबल का भी काम कर रहा है और टैब का भी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक बुक ओपन खुल जाएगा जो हमें, और दूसरे पे भी हम क्लिक करेंगे तो दूसरा बुक ओपन हो जाएगा। तो एज ए टैब भी यूज कर सकते हैं, एज ए लेबल बना सकते हैं इसको। तो इस तरह जो है आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं।